ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇੰਦਰ ਗੋਲਡੀ ਇੰਦਰ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਐਂਡ ਅੱਗੇ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਕਰੋ ਜੀ ਐਂਡ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ मैं थोड़े सामने दो क्रेव दे सूट लेके आई हाँ। आई नो कि हुण गर्मियां ने तो सारे है ना इंट्रस्टड ने गर्मियां दे सूट्स देखने लई। एक्चुअली वो किसी दे सूट सी उन्होंने कहा कि साड़ी वीडियो बनाई जाए क्योंकि ना वीडियो दे विच अगले नू क्लीयर हो जाता क्योंकि जो चीज़ साडे कोले पई हुंदी आ ते आपां वीडियो दिखा दिंदे आ तां अगले नू भी पता लग जांदा कि साडी चीज़ इदां दी बनी आ जां कोई उहदे विच प्रॉब्लम आ जाए फिर असीं उहनूं उस टाइम ते फिक्स करवा सकदे जिन्ना टाइम साडे कोले आ। जदों असीं अगले कोले भेज दिंदे आ फिर उहनां नू भी है ना बाहरों कोरियर लगा के भेजना बहुत मुश्किल हो जाता। इस करके जी अज मैं दो क्रेव दे सूट लैके आई हाँ। डिजाइनिंग असीं ऑलरेडी पहला बना चुके हैं बट हुण उहदे नाल उहनां ने शरारा ते इक दे नाल उहनां ने घग्गरा बनाया है जागो ते पाउण वास्ते। अज मैं तुहानूं उह दो सूट्स दिखाऊंगी। सब तो पहला तो मैं तुहानूं आही दिखाउंदी हां। आ देखो आ वाली शर्ट मैं पहला ऑलरेडी तुहानूं दिखा चुकी हाँ भी मीनस उन्होंने आह वाली शर्ट सी ते उहदे नाल ना उन्होंने आ दुपट्टा असी पहला दुपट्टा जिहड़ा बनाया सी बहुत ज़्यादा हैवी सी मीनस तुसीं उहदे आह देखे होणगे जिहड़ी आह चीज़ सी ना बहुत ज़्यादा चौड़ी सी घट्टो घट इन्नी चौड़ी सी एंड जिहड़े इहदे विच उन्होंने वेलां भी पाईआं होईआं सी। तां मैनूं इहदी एक दो वारी रिक्वेस्ट भी आई सी कि जे असीं हल्का दुपट्टा बनाउणा होवे तां उहदी फिनिशिंग किद्दां दी आऊगी तां करके जी मैं इह दुपट्टा बनवाया ते उन्होंने भी यही कह के बनवाया कि सानू उन्ना हैवी दुपट्टा नहीं चाहिए हल्का चाहिए बिकॉज उन्होंने लाइक मैरिज च यूज़ करना तो हैगा आ बट उन्होंने ऑलरेडी दूसरे दुपट्टे बहुत ज़्यादा हैवी बनवा ले इस करके उन्होंने आ देखो हल्का दुपट्टा किया बिच सिर्फ एक सीकुएंस जाता है तो एक असी आ छोटी बहुत की है तो ये जी लैस लगाई है बहुत बरीक जी अपनी नहीं होंगी चंपा गोटा कहें जिन्हों वो वाली असी लैस लगा दी असी इदा भी रख सकते इनू कोई इशू नहीं सी बट असी इदा नहीं रखे ये चंपा गोटा लगा दिता भी थोड़ी जी फिनिशिंग आ जाती है। तो जिहड़े असी दूसरे जामनी सूट तो वह बनाए जिन्हों का बहुत ज़्यादा हैवी से उहदे विच असी थोड़ी जी इतों इतना स्पेस छड के ना मीन थोड़ी थोड़ी स्पेस छड के फिर असी लैस लगाई हुई सी उन्हां दी उदां कीती। तो तुसीं इदां हल्का दुपट्टा भी डिजाइन करवा सकते हो क्योंकि इदां जरूरी नहीं हुंदा जी जिहड़ियां हुण वैडिंग्स आ जरूरी नहीं कि आपां नूं सर्दियां दे विच ही आउंदियां कईआं दा हुंदा है कि गर्मियां दे विच भी अजकल वैडिंग्स चलदियां रहिंदियां पहलां ही हुंदा सी कि गर्मियां ने ते आपां वैडिंग्स नहीं करदे पर हुण छोटे मोटे फंक्शनस आपां नूं आउंदे रहिंदे आ ते छोटे मोटे फंक्शनस लई कई तां हुंदे आ वी मशीन वर्क नूं लाइक कर लैंदे आ कई हुंदे आ वी इन्ना थोड़ा बहुता वी इदां दुपट्टा लाइक कर लैंदे आ। कई वारी आपां नाइट फंक्शन ते जाणा हुंदा ते नाइट ते तां इदां दा पै जांदा। आ देखो उहदे नाल ना इन्हां ने आ मैच कीता आ आ देखो आ इहदे नाल बनिया आ क्योंकि इहदे नाल इन्हां ने आ क्यों मैच किया बिकॉज कईआं दी चॉइस हुंदी आ वी ओवरऑल बनांदे आ। मैं तुहानूं थोड़ा जिहा इहदे नाल करके दिखा दिंदी आ। देखो जिवें असीं इहदे विच थ्रैड यूज़ कीती होई आ ना पीकॉक शेड ना वैसे ही मजेंटा सोहणा लगदा ते उहनां ने इस शर्ट दे नाल आ देखो इदां शरारा गरारा वटएवर तुसीं की कहना चाहुंदे हो तुसीं कह सकदे हो। आ देखो आ बनाया तां बहुत सोहणा लगेगा इह वी उहनां ने जागो च वीयर करना ते घग्गरा वी जागो च वीयर करना इतों तक आजूगा बिल्कुल इदा मीनस ये शिप जाएंगे नीचे नीचे ही फ्लेयरी शो होगी इधरों साइड तो यदि सीना शो हो थोड़िया बहुत ही शो होनगियाँ ज़्यादा नहीं होनिया क्योंकि शर्ट मीनस जे इतों तक भी आदि बाकी जो वीयर करे उदो ज़्यादा पता लगना भी यदि फिनिशिंग किदा की आऊगी तो वो इदा बनवाया। तो तुम योजी चीज़ तो गर्मियों भी बन सकती है जी भी आप गर्मियों के कई होंगे ना भी स्कर्ट टाइप सूट भी फंक्शन वगैरह च पा लेंगे ज नॉर्मल वीयर करना तो शरारा थोड़ा जहा जो अपना ए शेप च मीनस आप रेव च कट लें वो वाला तुसी बना सकते हो तो दुपट्टा तुसी ये बना सकते हो जे किसी नूं रेंज घट चाहिए आ। आ देखो उन्होंने आ तो जरूर मैच किया पर दुपट्टा उन्होंने अपनी शर्ट के नाल दा बनाया रीज़न ये आ कि इस सूट नाल भी चल जू मीन जिहड़ा इन्हां दा फुल सूट बनया होया उहदे नाल भी इह दुपट्टा चल जू। एक उन्होंने टाई एंड डाई दुपट्टा मैं पिछली वीडियो दिखाया सी ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਮਲ ਵੀਅਰ ਕਰਨਾ ਆ ਉਦੋਂ ਉਹ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਜ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਜਾਣਾ ਆ ਉਦੋਂ ਆਹ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਕਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲਵਾਰ ਪਾ ਲਈਏ ਇਸ ਕਮੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਾਰਾ ਗਰਾਰਾ मीनस उन्होंने वीयर कर लिया जो भी उन्होंने विश होगी जो उवें कर लेंगे ये मैच मजेंटा इस करके किया। देखो मजेंटा टच है ये जो थ्रैड का आ इस करके असी ये मजेंटा किया तो तुम भी इदा का बनवा सकते हो जो इदा हल्का दुपट्टा बनाना चाहते हो क्योंकि इस दुपट्टे की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई सी बहुत ज़्यादा हैवी सी जी रेंज भी वो थोड़ी जी हाई सी तो यह रेंज आपको ठीक रेंज भी पै जाता यही कह सकते कि बिल्कुल ही रेंज घट जू बट ठीक रेंज पै जाता तो तुम इदा का दुपट्टा बनवा सकते हो। सैकेंड सूट है सैकेंड आ देखो उन्होंने घग्गरा बनया हुआ पहला तो मैं थोड़ा घग्गरा ही दिखा दिनी हाँ। आ देखो उन्होंने बहुत ज़्यादा वो नहीं बनवाया
सिर्फ इन्ना कु बनाया। देखो नीचे नीचे असीं इहदे गोटा लगा दिता ते उपर बिल्कुल इदा चुन्नट वाला बना दिता कि जदों वीयर करनगे ना ही उन्हां नूं बहुता हैवी फील होना ना ही लाइट। ते जिहड़ा इह असीं यूज़ कीता जी साटन नहीं हैगी, इह क्रेप दे विच यूज़ कीता क्योंकि उन्हां दी शर्ट भी क्रेप सी। बाकी पहलां रिवाज हुंदा सी जी कॉटन दे चलदे हुंदे सी, कॉटन दी पूरी ड्रैस बनदी हुंदी सी घग्गरे वाली, जिवें शॉर्ट कुर्ती हो गई ते लोंग जां इदां घग्गरा हो गया ते उहदे ते ना फुल पतासे लाए जांदे सी। उहदी चुन्नी भी कॉटन दी हुंदी सी ते उहदी जिहड़ी ग्लैस लगदी हुंदी सी। हुण तां इह इदां दी चली आ चल पई है ना, जिवें आह करली जी लैस आ, पहलां सिद्धी जी लैस आउंदी हुंदी सी। पहलां तां जी पंजाबी तां इहीं कह दिंदे सी फलूंसड़े जिहे वाली लैस, क्योंकि इदां ही हुंदा जिहड़ा मर्जी उहदा नाम रख लो उवें दी लैस आ के घग्गरे तैयार हुंदे सी। हुण इदां हो गया जी, बस इक घग्गरे दा शौंक रहि गिआ वी आपां जागो दे विच घग्गरा वीयर करना आ ते शौंक आ। मेरे कोल कॉटन दा वी पिआ ए, मैं तुहानूं जरूर दिखाऊंगी। उह मेरी मासी जी दी निशानी आ, उहनां ने बहुत पुराना उह घग्गरा बणाया होइआ सी ते असीं हरेक मैरिज 'च उहनूं जरूर वीयर करदे हां। मेरा टाइम लग्गिआ तां मैं जरूर तुहानूं उह घग्गरा वी दिखाऊंगी उहदे नाल दा, हुण तां मे वी ना बणे क्योंकि उह तां बड़ा मीन समझ ही नहीं आउंदी वी उह बणिआ किद्दां होइआ, बट बहुत सोहणा येलो कलर दा घग्गरा आ। आह देखो इह घग्गरा बणिआ होइआ, इहदे नाल इहनां दी आ शर्ट आ, आ देखो क्योंकि इहदा दुपट्टा ग्रे सी जी, तुसीं शायद पिछे मेरीआं वीडियोज़ दे विच देखिआ होणा आ वी इहदा जिहड़ा फुल सूट आ इहदे नाल जिहड़ा बणिआ होइआ। उहनां ने सिंपल सूट बनवाया जिवें साडा पहलां येलो सूट बणिआ सी ना, उवें इह जामनी सूट उहनां ने बनवाया, इह वी क्रेप दे विच आ। इहदे नाल ग्रे देखो बहुत सोहणा मैच कर रिहा। तुसीं गर्मियां दे विच ना इह कॉम्बीनेशन रख सकदे हो, पर्पल दे नाल ग्रे बहुत ज़्यादा प्रिटी लगेगा। मीनस जे तुसीं ग्रे सूट लैणा ना वी मीनस तुहानूं डार्क ना पाउणा पसंद होवे वी मीनस अक्खां नूं ना चुभे, तां ग्रे लै के ना उहदे ते पर्पल कलर दी कढ़ाई कराइओ, बहुत सोहणा लगेगा। ते जिहड़ा उहदा दुपट्टा आ, दुपट्टा ऑलरेडी मैं दिखाया भी सी, फिर भी मैं दुबारा इहदे नाल फिनिशिंग दिखा दिंदी हाँ। आह देखो आह वाला दुपट्टा उहनां ने इदां जागो दे विच लैणा। बाकी उहनां कोले फुलकारीज़ वगैरह ऑलरेडी उह कहिंदे साडे कोले काफ़ी ने, इस करके उहनां ने फुलकारी नहीं लई। आ देखो बहुत सोहना लगेगा जी इदा पाया होया, नाले तो वैसे भी सिंपल भी आ, सोबर भी आते वैसे भी वधिया लगता। जागो दे विच सारयां नूं इदा ही हुंदा कि इन्ने टाइम बाद तां किसे आपां विआह च आउणा हुंदा बाहर लिया ने, इस करके जी उन्होंने आ घग्गरा बनवाया। तुसीं इहनूं जिवें मर्जी बनवा सकदे हो, फुल पतासे ऐड करवा सकदे हो, लैस चौड़ी करवा सकदे हो, जिवें मर्जी। बट कईआं दी चॉइस हुंदी आ वी थोड़ी जी सिंपल ते सोबर चीज़ नूं लाइक करदे आ, इस करके उहनां ने इदां घग्गरा बनाया होया। तुसीं वी इदां बना सकदे हो, गर्मियां दे विच इह कलर यूज़ करके तुसीं इह पर्पल कलर दी कढ़ाई कर सकदे हो, बहुत सोहणा लगेगा। बाकी मैनूं पता है जी हुण तां वैडिंग सीज़न है नहीं, इस करके इन्ना इस दा ट्रेंड नहीं हैगा, बट फिर भी मैनूं इह सी वी उहनां नूं अपना सूट इक वारी वीडियो दे विच उह देख लैण, फिर ही असीं अग्गे भेजीए कि कोई इदां कमी ना रह जाए। इस करके आ देखो इहदे नाल आ घग्गरा आ ते शर्ट है। तुसीं वी इदां डिजाइन करवा सकदे हो कॉटन दे विच, जिवें मैं तुहानूं पहलां वी दस्सिया कि फुल पतासे वगैरह लगवा के बहुत सोहनी चीज़ बन जांदी आ। वैसे भी उहदे विच गर्मी भी नहीं आउंदी, तां वैल दा कपड़ा भी यूज़ कर सकदे हो, कैमरिक भी यूज़ कर सकदे हो, जिहदे मर्जी बनवा सकदे हो, बट उह वैल दे कपड़े 'च ज़्यादा वधिया लगदा, जिहड़ी प्योर वैल हुंदी आ उहदे विच तुसीं उह बनवा सकदे हो। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੋ ਸੂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਰੇਵ ਨੂੰ ਵੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਦੋਂ ਵੀ ਵੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਪਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਬਾਕੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸਟੱਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸਟੱਫ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੈਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਪਿਛਲਾ ਸਟੱਫ ਵੀ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸਟੱਫ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ, ਬਟ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵਧੀਆ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਐਂਡ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਘੱਗਰਾ ਵਗੈਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਰਾਏ ਦਊਂਗੀ ਜੀ, ਫੁੱਲ ਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਓ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੈੱਟ ਕਰਵਾਇਓ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਪੱਟਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਫੁੱਲ ਵੈਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਕੁੜਤੀ ਵੀ, ਐਂਡ ਘੱਗਰਾ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਪਤਾਸੇ ਵਗੈਰਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਗੋ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਇੱਦਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੈਡਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਬਾਹਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਰਜਟ ਦਾ ਸਟੱਫ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।